नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूं कि पतंजलि आयुर्वेदा ने अपना क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च कर दिया है। हाल ही के अंदर पतंजलि की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया था, वहां पर उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही यूनिक होने वाला है। स्पेशली ये जो क्रेडिट कार्ड है इंडियन के लिए बनाया गया है, भारतीय लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से बेनिफिट है वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, किस तरह से आपको अप्लाई करना रहेगा पतंजलि क्रेडिट कार्ड के लिए और किस तरह से आपको पतंजलि आयुर्वेद का जो क्रेडिट कार्ड है वो मिलने वाला है। वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू होते हैं, परंतु इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक CSC संचालक है, अगर आप पतंजलि का क्रेडिट कार्ड किसी का भी बनाते हैं तो आपको यहाँ पे 230 रुपये का जो कमीशन है वो मिलने वाला है। आप पतंजलि का क्रेडिट कार्ड है CSC सेंटर से बना सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं पतंजलि की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो पतंजलि का क्रेडिट कार्ड है अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा जो कैशबैक है वो मिलने वाला है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को भीम UPI के साथ में काम में लेते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको भीम UPI की तरह वहाँ पे स्कैन करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, आप इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्रेडिट कार्ड है उनको आप भीम UPI के अंदर आप QR कोड स्कैन करने के तहत काम पे नहीं ले सकते। ये स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए ही बनाया गया है, इंडियंस की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये मिलने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसको आप QR कोड के तहत काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा बेनिफिट है जो कि रुपए का जो ट्वीट है उसके अंदर आपको बताया गया है कि अगर आप पतंजलि का जो क्रेडिट कार्ड है वो लेते हैं, चाहे वो सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लो या चाहे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अगर आप लो, तो इसके अंदर आपको 2 लाख रुपये का जो एक्सीडेंट कवर है वो मिलने वाला है। तो इस तरह से ये अपना दूसरा बेनिफिट हो गया पतंजलि क्रेडिट कार्ड का, जहाँ से आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने दोनों क्रेडिट कार्ड के अलग अलग बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर आप किसी भी पतंजलि स्टोर से शॉपिंग करते हैं वहाँ पर आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5 से 7% का जो एडिशनल कैशबैक है वो मिलने वाला है। इसके अलावा आप किसी दूसरे मर्चेंट से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 2% का कैशबैक है वो मिलने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें लिमिट की, तो अगर आप सेलेक्ट का जो क्रेडिट कार्ड है वो लेते हैं तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक की लिमिट है वो मिलने वाली है। वहीं अगर अपन बात करें प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की, तो उसकी लिमिट है आपको 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपये तक के मिलने वाली है। ये जो क्रेडिट कार्ड है आप 50,000 से 10 लाख रुपए की लिमिट के बीच में किसी भी लिमिट पे आपको मिल सकता है, ये आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे आवेदन किस तरह से करना है, तो इसका जो लिंक है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग शुल्क है वो 0 रहने वाली है और इसी के साथ में आपकी जो इसका रिन्यू करने की जो फीस है वो भी 0 है। इसके अलावा अगर आप इसका सालाना यूज़ करते हैं 500 रुपये से ज़्यादा इसका अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे जो वार्षिक शुल्क है, एनुअल फीस है, वो भी यहाँ पे आपकी माफ़ हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसी के साथ में अपन बात करें यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है EMI पे वो कितना लगने वाला है, तो यहाँ पे 12% का जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वो आपको लगने वाला है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे आवेदन करने के लिए, तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा सैलरी है तो आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपका 2.5 लाख रुपये तक का ITR आप फिलअप करते हैं तो आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, आपका ITR फिलअप हुआ होना चाहिए या फिर आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप है वो आपको यहाँ पे लगने वाली है। इसके अलावा आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक स्कैन किया हुआ सिग्नेचर आपका यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक क्लिक करते हैं आपके सामने CSC का जो ऑफिशियल पोर्टल है ओपन हो जाता है, वहाँ पर आपको अपना ID पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं आपकी जो डिटेल है आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी रहेगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, आपको खुद को जो CSC सेंटर संचालक है उसकी यहाँ पे आपको KYC कंप्लीट करनी रहेगी। इसके लिए आपको यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना है, परमिशन को आप जैसे ही यहाँ पे अलाउ कर देते हैं आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, email ID आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। डिटेल एंटर करने बाद में आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक टर्म एंड कंडीशन का पेज आता है जहाँ पे आपको I agree के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
एक्सेप्ट टू प्रोसीड के ऑप्शन पे वापस से क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था, जो ईमेल आईडी आपने एंटर की थी, उसके ऊपर एक ओटीपी आता है जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल है वो एंटर करनी रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपका नाम यहाँ पे एंटर करना है, आपके ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, मेटेरियल स्टेटस आपका एंटर करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, मदर फादर का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे एंटर करनी है। उसी के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। डिटेल एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको कार्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्लेटिनम कार्ड ऑफर किया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रॉल करें तो आप दूसरा कार्ड भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कार्ड है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कन्फर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही कन्फर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने रहेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ है वो ऐड करना रहेगा, आपका एड्रेस प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो आपका आईटीआर फिल का जो फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको तीनों महीने की जो सैलरी स्लिप है वो यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। तो इस तरह से आप जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूछे जाते हैं उन सबको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का, आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना रहेगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, आपका सामने कुछ इस तरह का एक मैसेज आता है जहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर है आपको देखने को मिल जाता है, आपको कितने रुपए की लिमिट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में आपके सामने यहाँ पे एक केवाईसी का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको क्लिक हर एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी करनी रहेगी। वीडियो केवाईसी करते टाइम आपका नेट है यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ में आपसे यहाँ पे वीडियो केवाईसी के दौरान आपके एक सिग्नेचर आपसे करवाए जाते हैं। उसके अलावा आपका जो पैन कार्ड है वो आपको यहाँ पे दिखाना रहेगा कर्मचारी को। तो आप वीडियो केवाईसी यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी करने के बाद में आपका जैसे ही कंफर्मेशन हो जाता है 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड है आपके घर पे आ जाता है। तो इस तरह से आप घर बैठे पतंजलि का जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पतंजलि क्रेडिट कार्ड से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसी साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप यूं ही अपडेट होते रहे। जय हिंद, जय भारत।